हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सुरेंद्र शर्मा। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत बढ़िया और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत छोटे छोटे कुछ वर्ड मीनिंग आज सिखाने जा रहा हूँ, जिन वर्ड मीनिंग से आप एक अच्छा अपना रोब दूसरे पर या अपना इम्प्रेशन दूसरे पर जमा सकते हैं, अगर ये वर्ड आपको आते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी की लाइफ से। तो विद्यार्थी जब अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेता है तो उसके बाद उसे जॉब के लिए जाना होता है, जॉब करनी होती है। तो जॉब के लिए हमें एक CV बनाना होता है। CV अगर हम बात करें, या CV को हम रिज्यूम भी बोलते हैं या बायोडाटा भी बोलते हैं। अब CV क्या है, अगर किसी से पूछा जाए तो 100 में से 99.99% लोग कहेंगे बस रिज्यूम को ही CV बोलते हैं। बट CV है क्या, उसके बारे में बाद में आज करने वाला हूँ। तो CV है आपका, CV जो होता है वो ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में इसे रिज्यूम बोला जाता है। CV की फुल फॉर्म होती है कैरिकुलम वाइटे, जो ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है CV, कैरिकुलम वाइटे, और अमेरिकन इंग्लिश में भी, खासकर नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में इसे रिज्यूम बोलते हैं। रिज्यूम या CV का मतलब क्या होता है, विवरण। और एक बायोडाटा शब्द भी होता है, बायोडाटा शब्द ज़्यादातर किसी भी विवरण के लिए लगा सकते हैं, बट CV या रिज्यूम जो लगाते हैं वो केवल और केवल जॉब के संबंधित विवरण को बताने के लिए लगाया जाता है। तो कैरिकुलम वाइटे वर्ड्स आप पूछ कर दूसरे से अच्छा खासा अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं, क्योंकि आप बाकी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, 100% श्योर है कि नहीं पता होगा। तो कैरिकुलम वाइटे एंड रिज्यूम जो बोला जाएगा, आपका रिज्यूम जो बोलेंगे वो नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे। इसके अलावा बायोडाटा जो बोलते हैं वो इंडियन इंग्लिश बोला जाएगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें कि हम जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो नेट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो हम उसमें ज़्यादातर वेबसाइट्स में शुरू में लिखा होता है www। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड यानी कि संसार, वाइड यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा, और वेब यानी कि मकड़ी का जाला। अगर मकड़ी का जाले की तरह पूरा जो इंटरनेट है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, आज हम मिनटों से घंटों में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और अब आप जानते ही हैं कि कोरोना काल में तो इवन देन हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, जिसमें आसानी से हम एक दूसरे से फेस टू फेस आराम से बात कर सकते हैं और उसकी बात सुन सकते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब हुआ नेट का एक बहुत बड़ा जाल, तो उसके थ्रू हम कहीं पर भी जॉब के लिए यानी कि उससे कनेक्ट होकर जॉब के अप्लाई करते हैं। या फिर अगर हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में, एक छोटी सी बात मैं और ले लेता हूँ, एग्ज़ाम में पेपर के नीचे PTO लिखा होता है, PTO, तो उसका मतलब होता है प्लीज़ टर्न ओवर। प्लीज़ यानी कि कृपया, टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना, यानी कृपया पेज पलटिए। काफ़ी लोगों को इसके बारे में भी बिल्कुल नहीं पता होता, तो PTO प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पेज पलटिए, यानी कि अगले पेज पर भी मैटर है तो उसे भी देखें। इसके अलावा एक वर्ड मैं और ले लेता हूँ, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स में बहुत ज़्यादा आता है, वी पाकर और छोटा एस, तो लिखा होता है जो बिल्कुल अब विरोधी पार्टी वाले हैं, जैसे कि एक तरफ BJP और एक तरफ कांग्रेस हो, तो चाहे कांग्रेस कितने अच्छा काम करे चाहे BJP कितने अच्छा काम करे, तो एक दूसरे को वो क्रिटिसाइज 100% करते करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, VS वर्ड जो है वो भी ब्रिटिशर्स इंग्लिश में बोलते हैं, और VS का मतलब होता है वर्सेस। वर्सेस का मतलब होता है किसी के विरुद्ध, जैसे कि BJP कांग्रेस के विरुद्ध या कांग्रेस BJP के विरुद्ध, तो VS इज आल्सो वन स्टाइलिश वर्ड, तो VS होता है वर्सेस। इसके अलावा आमतौर पर हम एक वर्ड्स में और ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि हम नेट के थ्रू या फिर अब शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक सेंसेक्स वर्ड लिखा हुआ आता है। सेंसेक्स वर्ड क्या है, सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स, जो शेयर मार्केट की अप एंड डाउन और ग्रोथ को मेजरमेंट करता है कि कितना अप और मतलब शेयर बढ़ रहा है घट रहा है, तो उसको बताया जाता है। और एक सबसे अच्छा और बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग वर्ड मैं और ले रहा हूँ, शादी, आपकी अगर शादी हो गई है ठीक है, तो उस पर देखा होगा आपने जो शादी का कार्ड होता है, तो शादी के कार्ड पे एक लिखा होता है RSVP, RSVP, तो किसी से भी अगर पूछा जाए कि ये क्या वर्ड्स हैं तो बोलेगा बस एक मजाक का ले लेगा वर्ड्स, खासकर पंजाबी लोग कह लीजिए RSVP मतलब ले लेते हैं रोंदे सारे ब्याह पिछों, यानी कि शादी होने के बाद सब लोग रोते ही हैं, तो बस ये फुल फॉर्म बता देगा। तो एक्चुअली ये वर्ड क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो RSVP क्या है, ये फ्रेंच का वर्ड है, ये इंग्लिश का नहीं है वर्ड्स। अब आप कहेंगे सर फ्रेंच, आप तो इंग्लिश सिखाते हो तो ये फ्रेंच का चक्कर कहाँ को डाल रहे हैं बीच में,
तो इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड दूसरी भाषाओं के भी आए हुए हैं, उनमें कुछ वर्ड फ्रेंच के हैं, कुछ लैटिन भाषा के हैं, कुछ इटालियन भाषा के हैं, और भी इसके अलावा कुछ ऑस्ट्रेलियन भाषा के हैं। जैसे कि ज़्यादातर इंग्लिश के अखबार में लिखा हुआ मिलता है आपको ओ जेड। ओ जेड का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, ये एक ऑस्ट्रेलियन स्लैंग्स है। तो मैं बात कर रहा था आर एस वी पी, आर एस वी पी फ्रेंच का वर्ड है, तो उसकी फुल फॉर्म भी फ्रेंच में ही होगी, ना कि फुल फॉर्म उसकी आर एस वी पी की जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी रिस्पोंडल सिल्वेस्प्लेंट, या फिर जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है रिस्पोंडज सिल्वेस्प्लेंट। तो ये वर्ड क्या है, ये फ्रेंच का है, ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, पहली बात तो ये फ्रेंच का वर्ड है और फ्रेंच में ही इसकी फुल फॉर्म है ये। अब इंग्लिश में अगर इसका मतलब हम निकालें तो इंग्लिश में इस फ्रेंच का मतलब होगा रिप्लाई इफ़ यू प्लीज़, रिप्लाई यानी कि रिप्लाई करें इफ़ यू प्लीज़ अगर आप खुश हैं, या फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है केवल सिंपल तौर पर रिप्लाई, यानी कि आप उसका रिप्लाई देना, प्रत्युत्तर देना, यानी कि आपने अगर कुछ काम कहीं पर अपना निमंत्रण भेजा या शादी का कार्ड भेजा तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं उनको कि कृपया आप हमारी शादी में जरूर आएँ और इसका प्रत्युत्तर जरूर दें। तो ये होगा हमारा आर एस वी पी। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो बोलने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बट 99 या 100% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब आपको इसके बारे में पता चल गया है, अब आप क्या कर सकते हो, इन शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरों पे अच्छा खासा इम्प्रेशन जमा सकते हो और लोगों को लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो डेफिनेटली आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी जिससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो प्लस पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव हो। पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि अगर आपका स्पोकन लेवल अच्छा होगा, आपको कुछ नई नई बातें पता चलेंगी, तब आप बहुत ज़्यादा अपना इम्प्रेशन भी जमा पाएंगे और समाज सोसाइटी में अपना अच्छा नाम भी कमा पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के बहुत सारे और नए वर्ड मीनिंग और ग्रामर आपको मिल जाए चैनल सब्सक्राइब करने से, और लाइक करें प्लस दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी ज्ञान बढ़े। और प्लस अभी आपको पता ही है कि मोस्टली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वो बंद है, तो इसके दौरान आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं और YouTube भी उसका एक बहुत अच्छा माध्यम है। चलिए खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइज़।